नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज और मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कमल। देश दुनिया में अनेक धर्म के लोग हैं। सभी धर्म का एक अलग संस्कृति और उसका प्रधान होता है। सभी धर्म विशेष अपनी संस्कृति के लिहाज से अपनी जिंदगी जीने का चुनाव करते हैं। यही संस्कृति से यह चुनाव भी होता है कि क्या खाना है, क्या नहीं, किस पेय पदार्थ को पीना है, किसको नहीं, क्या पहनना है और किसको नहीं पहनना है। हर एक धर्म के लोगों को अपने धर्म के प्रति आस्था होती है, विश्वास होता है, उसी के अनुरूप अपने आप को ढालते हैं। अपने देश भारत में भी कई धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। हम हमेशा से धर्म निरपेक्ष मुल्क कहलाते रहे हैं। हम भारतीय सभी धर्म का आदर करते हैं, ऐसा हमने कई जगह पढ़ा है, सुना है और कुछ हद तक खुद भी मानते हैं। कौन क्या खाएगा, कौन क्या पहनेगा, इसका चुनाव उस व्यक्ति का ही होना चाहिए, ये हमारे संविधान में है। हम आज़ाद देश के वासी हैं और आज़ादी का मतलब ही यही होता है कि हमारे देश में हिंदू धर्म के लोग एक अलग संस्कृति मानते हैं, मुस्लिम एक अलग संस्कृति को, सिख एक अलग पहनावे को पहनता है और ईसाई और जैन अलग अलग पहनावे को धारण करते हैं। उनके हर धर्म का एक अलग अलग चिन्ह होता है। सभी धर्म के लोग अपने धर्म के हिसाब से लिबास को धारण करते हैं। लेकिन बड़ा प्रश्न ये उठता है कि मुस्लिम समाज की संस्कृति पर ही अभी तक सवाल इस देश में क्यों उठाए जाते रहे। ये यूं ही नहीं तर्क दे रहा हूं, ये यूं ही आपसे बात नहीं कर रहा, उसकी कई वजह भी हैं जो इस बात की पुष्टि करती हैं। बताता हूं उन वजह की तरफ। अभी हाल ही में आई एक खबर की तरफ चलते हैं जिसमें एक छात्रा को बुर्का पहनने के कारण डिग्री नहीं दी गई। खबर के मुताबिक रांची के मारवाड़ी कॉलेज के दीक्षांत समारोह में डिग्री लेने आई कॉलेज की ओवरऑल बेस्ट ग्रेजुएट निशत फातिमा को समारोह में डिग्री नहीं दी गई। निशत कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बुर्का पहन के आ गई। समारोह में गोल्ड मेडल के लिए उसका नाम पुकारा गया। उसे सबसे पहले मेडल लेना था। नाम बुलाने के साथ ही मंच से यह घोषणा कर दी गई कि वह कॉलेज द्वारा तय ड्रेस कोड में नहीं है, इस कारण उसे समारोह में डिग्री नहीं दी जाएगी। इसके बाद वह मंच पर ही नहीं चढ़ी। निशत फातिमा ने सत्र 2011 से लेकर 14 में रांची के मारवाड़ी कॉलेज से स्नातक पास किया था। स्नातक पास में बीएससी गणित ऑनर्स में उसे 93% अंक मिले थे। कॉलेज में सत्र 2011 से 14 में स्नातक में सभी विषयों में उसने सबसे अधिक अंक हासिल किए थे। इसके बाद भी सिर्फ लिबास की वजह से उसको डिग्री नहीं दी गई। यहाँ पर एक खबर और बताते चलते हैं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मतलब यूजीसी ने दीक्षांत समारोह के अपने हाल ही के गाइडलाइन में कहा है कि स्टूडेंट दीक्षांत समारोह में भारतीय परिधान पहने। है ना रोचक, भारतीय परिधान पहने। जिस देश में इतने धर्म रहते हों वहाँ भारतीय परिधान की व्याख्या ही नहीं दी गई है। हमारे पास इसकी जानकारी ही नहीं है। कहीं पर परंपरा के रंग मतलब कुर्ता और पैजामा और साड़ी है, तो कहीं पर आधुनिकता के रंग शर्ट पैंट, कहीं पर सलवार सूट भी पहने जाते हैं। और अगर कोई कोट पैंट पहनकर आ जाए तो क्या भारतीय परिधान उसे माना जाएगा या नहीं, ये बड़ा सवाल उठता है। खैर, ये मुझे नहीं मालूम है, या आप लोग इसका निर्णय करें। शिक्षण संस्थान में मुस्लिम महिलाओं के साथ यह व्यवहार शोभा नहीं देता है। ये मामला पहनावे के कारण उसे अधिकार से वंचित करने का भी हम कह सकते हैं। हमारा सवाल है कि अगर इस मुस्लिम लड़की की जगह कोई ईसाई लड़की होती और वह संस्कृति के प्रधान में अपनी डिग्री लेने आती तो क्या उसके साथ भी वही व्यवहार किया जाता। उसकी जगह कोई सिख लड़का होता जो सर पर पगड़ी हाथ में कड़ा पहनकर कमर में कृपाण के साथ उस समारोह में डिग्री लेने आता तो क्या उसको भी यही जवाब दिया जाता। जवाब मिलेगा नहीं। यह भेदभाव सिर्फ मुस्लिम समाज के साथ ही होता है और क्यों होता है, यह भी बड़ा प्रश्न है। बात करता हूं लंदन की एक खबर की, जहां कुछ दिन पहले वहां के प्रधानमंत्री को एक सिख सांसद ने उनके एक टिप्पणी का जवाब देते हुए गलत कहा था और उसके लिए देश से माफी मांगने के लिए भी कहा था। साल 2018 में ब्रिटेन के वर्तमान प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने द टेलीग्राफ के एक आर्टिकल में लिखा था कि जो महिलाएं बुर्का पहनती हैं वो किसी लेटर बॉक्स या बैंक लूटने वालों की तरह दिखाई देती हैं। उनकी इसी टिप्पणी पर सांसद तनमनजीत सिंह ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं पर की गई ऐसी टिप्पणी गलत है। उन्होंने आगे कहा कि अगर कोई मुझे टॉवल हेड, तालिबानी या फिर बोनगो बोनगो लैंड से आया हुआ कहता है तो हम भी उस दर्द से गुजरते हैं जिनसे ये मुस्लिम महिलाएं गुजरती हैं जिन पर आपने ये टिप्पणी की है।
एक और खबर बताते हैं जो यूपी से है। यूपी के फिरोजाबाद में एक मामला देखने को मिला, वहां एसआरके डिग्री कॉलेज ने बुर्के पर पाबंदी लगा दी है। कॉलेज का एक वीडियो सामने आया जिसमें प्रिंसिपल छड़ी लेकर बुर्के में आई छात्राओं को कॉलेज से भगाते नजर आ रहे हैं। इन छात्राओं का कहना है कि उनसे कहा जा रहा है कि वो बस स्टॉप पर बुर्का उतार कर कॉलेज में दाखिल हों, जबकि ऐसा भी तो किया जा सकता है कि लड़कियां क्लास में जाकर बुर्का उतार लें। बुर्के को लेकर जिस तरह की खबरें आ रही हैं, इसे साफ तौर पर एक समुदाय के संस्कृति के खिलाफ कहा जा सकता है। सुरक्षा के लिहाज से इस पर बहस हो सकती है, लेकिन तब तक इस तरह का रवैया बुर्के पर ठीक नहीं है। इस्लाम में बुर्के के लेकर क्या तर्क दिया गया, ये भी हम आपको बताते हैं। कुरान में महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा गया है कि अपने अंग को छुपा कर रखें और अपना श्रृंगार या आभूषणों का दिखावा नहीं करें, सिवाय उसके जो स्वाभाविक रूप से नजर आए। कुरान में पर्दे का हुक्म है। कुरान नबी मोहम्मद को मुखातिब करते हुए कहती है कि अल्लाह पर ईमान रखने वाली औरतों से कह दो कि वह अपनी नजरें नीची रखें और अपनी पाकदामनी की सुरक्षा करें और वे अपने बनाव श्रृंगार और आभूषणों को ना दिखाए। इसमें कोई आपत्ति नहीं है जो सामान्य रूप से जाहिर हो जाए, और उन्हें चाहिए कि वे अपने आप को पर्दे के साथ ही बाहर लेकर जाए। पर्दे के नियम में स्त्री के लिए चेहरे और हाथों की कलाई को छोड़कर पूरे शरीर को ढकना आवश्यक है। मुस्लिमों में पर्दा मर्दों पर भी फर्ज है। पवित्र कुरान में अल्लाह ने औरतों से पहले मर्दों के लिए पर्दे का वर्णन किया है और कहा है, ईमान वालों मर्दों को चाहिए कि उस क्षण अपनी नजरें नीची कर ले जिस क्षण नजर किसी स्त्री पर पड़े। बुर्के पे सियासत और शैक्षणिक संस्थानों में इस तरह का विरोध बिल्कुल दर्शाता है कि किसी एक समुदाय के प्रति उनका नजरिया कैसा है। बने रहिए कबीर न्यूज के साथ। नमस्कार।